अरे यार ये रहा। कहीं सही। अरे आती जा रहा, इधर भी बाहों को जाना पड़ेगा। रिमोट क्या? रिमोट ऐसे आखिरी दफा रखा है मैंने। पीछे दीवार पे रख दिया करो ना। रिमोट निकला है, सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। टुडे इज वीकेंड हियर और आज कवल और मैं सुबह सुबह निकल गए हैं स्टॉकपोर्ट पार्क की सैर करने के लिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली स्टॉकपोर्ट पार्क की एंट्रेंस को डिस्कवर कर लिया है। तो आज हम लोग एक दूसरा रोड पकड़ेंगे जहां से हम स्टॉकपोर्ट पार्क की एंट्रेंस तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोर करें स्टॉकपोर्ट पार्क को, इन्जॉय करें आज और स्टेप्स कम्प्लीट करें और आपको भी दिखाएँ कि स्टॉकपोर्ट पार्क एक्चुअली कैसा लगता है। जो लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने स्टॉकपोर्ट पार्क दिखाया है आपको, दैट इज़ नॉट इवन आई थिंक बिगिनिंग ऑफ स्टॉकपोर्ट पार्क, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता था। ये तो अभी इत्तफाकन मैं चलता हुआ बस स्टॉप की तरफ जा रहा था तो पता चल गया मुझे। जो हमने दिखाया था वो गोल्फ कोर्स था, वो स्टॉकपोर्ट पार्क नहीं था, पता चला आपको। तो आप बताएं आप लोग कैसे हैं, क्या वेदर इन्जॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, US, लंदन, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है? यहाँ पे तो मौसम ऐसा ज़बरदस्त किस्म का है, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। अपेरेंटली समबडी इज़ नॉट इन्जॉइंग सो मच। ओ वो कौवा मर गया। मैंने तो वैसे भी वेयर हाउस के अंदर जॉब करना शुरू कर दिया है तो वहाँ 0 से लेके -5 तक का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। आई थिंक आई एम प्रीटी यूज्ड टू ऑफ दिस वेदर ऑलरेडी। जहाज दिख गया फाइनली। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, दिस इज अनदर वे ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द स्टॉकपोर्ट पार्क। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये गोल्फ कोर्स है यहाँ बराबर में। मेरे साथ जो एस्किमो है उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। Too windy. It is too windy, I know. हम स्टॉकपोर्ट पार्क के बाद जाएंगे मॉल और वहाँ से देखेंगे कि अगर कवल के लिए कोई ग्लव्स मिल सकते हैं तो विल गेट देम। मुझे आँखों के लिए भी असल में कुछ लेना है क्योंकि चश्मा है ना, गॉगल्स और उसके बाद जो है लेंसेज निकल रहे होते हैं, टिश्यू। फलों का कुछ नहीं कर सकते इससे क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, तो यू हैव टू डील विद इट बिकॉज आई एम डीलिंग विद इट। ये आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये स्टॉकवुड पार्क का गोल्फ मिनी गोल्फ कोर्स है और हम यहाँ पर आ चुके हैं एक बार। तकरीबन हम शाम के 5 बजे आए थे, उस वक्त यहाँ पर 5 बजे अंधेरा हो जाता था। ये इनकी फुटबॉल फील्ड है, रग्बी फील्ड है, 3 हैं यहाँ पर, एक ये है, एक वो रही और एक आई थिंक उस साइड में भी है, उस साइड में 2-3 और हैं और आगे की तरफ। अभी हम जा रहे हैं चलते हुए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ कि कोई भी नहीं है, बंदा सुकून से चलते रहो, वॉक करते रहो, हवा इंजॉय करते रहो। सर्दी नहीं लगनी चाहिए। वेलकम टू स्टॉकवुड डिस्कवरी सेंटर। यहाँ पर घोड़ों को दौड़ाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और ये राइट साइड पे आप जो देख रहे हैं ये सारे मिनी फार्म्स हैं लोगों के। गवर्नमेंट यहाँ पे आपको लैंड अलॉट करती है 100 pounds, 200 pounds सही है। हाँ ऐसा है कि आपको फार्मिंग जो है वो लाजमी करनी है, इफ़ यू वॉन्ट बी यूजिंग इट तो गवर्नमेंट आपसे वापस ले लेगी। तो मेक श्योर कि जब आप लोग यहाँ पर आएँ और आपको फार्मिंग का कीड़ा उठे तो आप फार्मिंग करें वहाँ पे, चाहे आप धनिया उगाएँ, पुदीना उगाएँ,
टमाटर उगाएं, आलू उगाएं, तरबूज, खरबूजा, केला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी और क्या होते हैं फ्रूट्स, पाइनएप्पल, अमरूद, नाशपाती, जो दिल चाहे। आम का दरख्त उगा लें, फार्मिंग फॉर एवर। एक ही बार आम का दरख्त लगाना है, 200 का लैंड मिल जाएगा आपको। इट्स दिस मच विंडी, तो आप सबको भी इसी तरह कवर करके ही आना चाहिए खुद को, अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी ज़्यादा नहीं है। एंड बाय द वे, दिस इज अनदर एंट्रेंस। ये हम कार पार्किंग की तरफ आ गए थे, तो अब हमें राइट एंट्रेंस मिल गई है और ये जगह है जहाँ पर हम पहले आ चुके हैं, बट यहीं से आगे जाके हमें स्टॉकवुड पार्क की दूसरी एंट्रेंस की तरफ जाना है। क्या बोलती हैं मुझे लग रहा है कि ये जो रास्ता है जो अभी हमें मिल गया है, ये ज़्यादा बेहतर है, जिस रास्ते से मैं आता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहाड़ नहीं है यहाँ पे, चढ़ाई नहीं है यहाँ पर, रोड नहीं क्रॉस करना है यहाँ पर, और प्लस आप बैक व्यू देखें, आप व्यू देखें मेरे पीछे कितना फिट व्यू है, तो ये इन्जॉय करते करते सुबह जब मैं आऊँगा कितना मजा आएगा, राइट। अब खिंचवा लेते हैं एक DSLR से पिक्चर, आप लोग इंजॉय करें अनदर टाइम लैप्स ऑफ अस व्हाइल टेकिंग पिक्चर्स। हमने तो डिस्प्ले में देख ली है तस्वीरें, बहुत अच्छी आई है, बड़ा मजा आया तस्वीर लेके DSLR से, काफी अर्से बाद आप लोगों ने टाइम लैप्स देख लिया है। अगर आपको तस्वीरें भी देखने का बड़ा शौक है तो गो टू माय इंस्टाग्राम एंड जाके देख लें, अदरवाइज आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट गोना पोस्ट इट हियर, और आई डोंट नो। यहाँ पर एक उल्लू मौजूद है, जो लुक व्हाट आई फाउंड, उल्लू का, यस You guys guessed it right. This is Uluka Putla. Not what you guys were thinking. Achha bana hai yaar. Fit hai. Aur ek squirrel with a squirrel. Let me show you the close-up of this Ullu first. Kaval is saying ki we are wasting time. And then I said, Kaval, that is what we are supposed to do here. Check karo yaar. Kaval, ye to check karo. Darakht ko carve karke inhone ye banaya hai Ullu. कहीं से पत्ते नहीं निकले कैसे, ब्यूटीफुल यार, यस। एंड आई एम प्रीटी श्योर, हाँ सेम फॉर दिस वन, ब्यूटीफुल। और मुझे एक स्क्वायरल दिख गई, इसकी इसके पीछे भागूं, लेट्स सी क्या होता है। I'm pretty sure they are very friendly. They used to of seeing people around. आराम से जा रहे होते तो शायद वो रुकी रहती। नहीं, मुझे उसके वो बादलों वाला जो फ्लफ आता है ना वो दिखाना था। Anywho, हम आ गए हैं स्टॉकवुड पार्क की एंट्रेंस की तरफ, ऑलमोस्ट आगे कुत्ता है। And I'm happy कि आज हम यहाँ से आ गए। जो है वो हम टाइम लैप्स बना रहे थे, उसको लगा कि हम शायद उसके जो है कुत्ते की वीडियो बना रहे हैं। हाँ, डॉगी की वीडियो बना रहे हैं। तो पूछ रहा था कि आर यू शूटिंग माय डॉग। हमने कहा नो, वी आर नॉट। तो भाई ऑफेंसिव हो जाते हैं यहाँ पे, फॉरन ऑफेंड हो जाते हैं लोग। नहीं, बट ही वाज नॉट ऑफेंडेड, ही वाज जस्ट आस्किंग, ही वाज लाइक आर यू मेकिंग द वीडियो ऑफ माय डॉग। आई नो आई एम नॉट, बिकॉज़ आई वाज मेकिंग द टाइम लैप्स। सो कुत्ता तो आ ही गया, हो भी सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ समबडी गेटिंग ऑफेंडेड। और इसी बात पे ये है तहरीम और लबीब की वीडियो। थैंक यू। हाय कमल एंड नसामा, हाउ आर यू, वी मिस यू इन दुबई। ये फुटपुट तो याद होगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये है मेरा व्लॉग तहरीम पाशा। और हम लोग आए हुए हैं फेस्टिवल सिटी मॉल,
हम लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। यू ड्राइव में बहुत मज़ा आया तुम्हारे बारे में सोचते हुए, तुमसे बातें करते हुए मैं आ गई। अब हम यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स पे, हम लोग मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं और उसको हम तारीफें कर करके जो टेक्सिस चिकन पे लगाया हुआ, वो टेक्सिस चिकन ले रहा है। हमने बहुत तारीफें की। 3-4-5 आ गया। और मत डालो और मत बनाओ व्लॉग्स, तुम लोगों की गलती है और मैंने यहीं पर डाला। अब इफ यू आर ऑफेंडेड नॉट माई प्रॉब्लम, मेक व्लॉग्स सून सो दैट वी कैन ऑल्सो सी वॉट यू गैस आर अप टू। जल्दी से अभी अभी एडिट करके अपलोड करो, कर दो। तुम्हें तो बोलने का फायदा ही नहीं है शहजाद, पूरी दुनिया घूम कर आ जाएगा, पूरी दुनिया की उसके बाद वीडियो होगी। शहजाद इज लाइक फहद भाई ऑफ आर खानदान। फहद भाई के पास पूरी दुनिया की, पूरे हमारे जितने भी ददियाल के इवेंट्स हुए हैं, ईदें, कोई भी शादी, हर चीज़, सारी तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन वो कभी भी ना अपलोड हुई और ना ही कभी भी किसी को मिली हैं। उसी तरीके से शहजाद इज लाइक कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, ड्रोन की ज़बरदस्त वीडियोस बनाऊंगा, अच्छी अच्छी तस्वीरें लूंगा, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन अपलोड मैं कहीं नहीं करूंगा। हम चलते चलते आ गए हैं स्टॉक फूड पार्क की मेन एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पर मैं पिछले 2 दिन से आ रहा हूँ चलते चलते, और मुझे वहाँ से कवर बस मिलती है। तो वो बस स्टॉप है, इट इज़ फार, और मैं उस जगह से आता हूँ। हमें इसलिए भी ज़्यादा फील हुआ क्योंकि हम लोग अभी पिक्चर्स ले रहे थे, हमने काफ़ी टाइम इधर उधर स्पेंड किया है। यार इट्स द सेम, इट्स 14 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस रूट एंड 14 मिनट्स फ्रॉम दिस रूट एज वेल। यहाँ पे घर आते हैं, यहाँ पर दरख्त, दिस इज बेटर क्योंकि यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, सीधा सीधा रोड पे चल के आ गए। अब ये दिस इज डाउन हिल, तो यहाँ से जब चलकर मैं आ रहा होता हूँ अक्सर तेज आ रहा होता हूँ, सांस मिल जाती है, सो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, डॉगी डॉगी हाल, जबान बाहर आ जाती है, ऐसा खैर नहीं होता, दैट्स अ लिटिल टू इंटेंस। कवर हम लोग यहीं से जा रहे हैं या स्टॉक फूड पार्क में बैठने थोड़ी देर, वी कैन गो दी अदर वे, या एक काम करते हैं यहीं से चलते हैं द मॉल की तरफ, वहाँ से वापस आते हैं स्टॉक फूड पार्क चले आएंगे। लेट्स गो। पड़ा पड़ा नहीं पड़ा चमाट, इन बाजी का बेटा जो है वो मेन रोड की तरफ भागता हुआ जा रहा था, वो पीछे चिल्लाते हुए आएंगे। एल्फी एल्फी चिपकाने वाली नहीं, बच्चे का नाम है, और इन्होंने आके उस बच्चे को पकड़ लिया। मैं दिखाता हूँ बच्चा किधर है, ये रहा बच्चे ना बहुत ही ना। हम लोग द मॉल की तरफ चलते चलते आ गए हैं, बीच में एक पॉलर दिख गया है जहाँ पे कवल अंदर गई है मालूमात करने के लिए कि क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मेन्यू तो उनके यहाँ है चीज़ों का कि आपको फेशियल कराना है तो कितने का और आईब्रोज बनवानी है तो कितने की, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कवल को पॉलर पसंद आ गया, पेरेंट अपॉइंटमेंट भी बुक करा लिया, एंड सारी सर्विसेज जो है ये इंक्लूडिंग, मैंने पूरी वीडियो जो बनाई है काफ़ी लंबी लिस्ट है चीज़ों की, उनमें से बहुत सारी चीज़ें करवा सकती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें करवा ही रही हूँ, मैनीक्योर करवा रही हूँ, आईब्रोज बनवा रही हूँ, फिर अपर लिप्स बनवाऊँगी, फिर फेशियल है, फिर जो है लैश लिफ्टिंग है, तो वो सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इंक्लूडिंग 90 pounds। अब हम आ गए हैं द मॉल, दिस इज लाइक मॉल ऑफ द एमिरेट्स फॉर अस, जैसे मॉल ऑफ द एमिरेट्स में गुजरे, दिस इज लाइक इब्न बतूता मॉल फॉर अस। यहाँ पर एक तो बाय द वे यहाँ पे हमारे पास मॉल के ऑप्शंस नहीं है, दिस इज द ओनली मॉल, बट इट गिव्स अस द वाइब, यस। उसके साथ ये दुकान आती है जहाँ पे 1 pound सेल रेल लगी हुई है। कवर इज गोइंग टू ट्राई दैट जैकेट, लाओ ये दे दो मुझे, लेट्स सी, साइज 12 लिखा हुआ है एंड 20 pounds की है, कोट ओवर कोट। लुक इन द मिरर, वेयर इज द मिरर, मिरर इज ओवर देयर बट यू कैन नॉट गो इनसाइड। तो भाई कोट तो नहीं लिया हमने वो संडे मार्केट वाली शॉप से, अब हम आ गए हैं बूट्स जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। बूट्स पे अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप अकाउंट बना लें अपना, और कार्ड मिलता है उनका, ठीक है, तो वो आप स्कैन करवा के पॉइंट्स जमा कर सकते हैं, ये मुझे साइमा ने बताया था, तो उसका काफ़ी बेनिफिट होता है। साइड हो जाओ, बूट्स के बाद स्वेटशर्ट्स की बारी, लेट्स चेक आउट सम स्टफ हियर। सेल चल रही है हर जगह, 22 pound की शर्ट जो है वो 15 pound में मिल रही है।
जाते हर जगह, लेते कुछ नहीं है कहीं से भी। नहीं, वहाँ से तो ले लिया, बूट से जो लेना है। बूट से ले लिया। ये मटेरियल भी अच्छा लग रहा है। 55 का था, 50 का कर दिया इन्होंने। इट्स नॉट बैड, मटेरियल अच्छा है, वाटर रेजिस्टेंट, मोटा भी है, थोड़ा लॉन्ग भी है। अरे एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन यू। एज यूजुअल हम दुकान के अंदर गए, कुछ नहीं लिया। अब हम जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए, जहाँ से हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ले लेंगे। ब्रेड भी लेनी है, ब्रेड भी ख़त्म हो गई है, मक्खन भी ख़त्म हो गया है, फ्रूट्स भी नहीं है। तो वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड टेस्को एक्सप्रेस टू गेट सम स्टफ। यहाँ से हम डेफिनेटली कुछ खरीद लेंगे। लेट्स सी क्या लेते हैं। टेस्को एक्सप्रेस इट इज, लेट्स गो। कवल पता है क्या, हम जब भी यहाँ पर आते हैं हम नई थैली लेकर जा रहे होते हैं। हाँ। हमें थैली अपने बैग में रख लेनी चाहिए। अब एक तो बैग है ना, बैग में डाल देंगे, हमें इतनी चीज़ें चाहिए ही नहीं। ओके भाई, यहाँ पर जो है फ्रूट्स थोड़े महंगे। नहीं कवल, उसी दुकान से देख लेंगे। यहाँ पर फ्रूट्स थोड़े महंगे हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि जिस दुकान से हमें एक पाउंड के फ्रूट मिल जाते हैं वहाँ से जाके फ्रूट्स लेंगे। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं ब्रेड और बटर लेने वाला हूँ। दैट्स इट। ब्रेड सेक्शन आ गया है। किंग 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 एक्चुअली दिस इज आल्सो डिसेंट साइज ऑफ ब्रेड, आई लाइक इट। 13 नवंबर तक इसकी एक्सपायरी है, विच इज़ ओके। आई थिंक 4 दिन आर गुड इनफ फॉर दिस साइज। सो लेट्स सी ये कितने की मिल रही है। ये भी 30 नवंबर को ख़त्म हो रही है, बट दिस आई थिंक दिस इज आल्सो ओके। लुक एट दिस वन, किंग्स में 50-50। लाइटर वाला मक्खन जो है यहाँ पर मिल रहा है 5 पाउंड का। दिस विल लास्ट मी फॉर एट लीस्ट अ मंथ, और मुझे थोड़ा कम करना है, यूज़ करना है इसको। तो लेट्स सी कवर काम करो। चली गई थी भाई। बटर कितने का वो वाला? I think 3 pounds का है, लेकिन हमें क्लब कार्ड की प्राइस पड़ेगी। 5 pounds। ओके। क्लब कार्ड के ऊपर 3 pounds गए। Let's get this one। ये एक महीने ज़्यादा चलते। नहीं नहीं, फ्रिज में रखना है। गलत बात। Let's go। तो क्लब कार्ड के ऊपर हमें 3.75 का मिलेगा। क्लब कार्ड आप डायरेक्टली अपने फ़ोन में जो ऐप है उसमें ले सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर लें। हाँ, रजिस्टर कर लें। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। सेल्फ चेकआउट की तरफ हम जा रहे हैं इस वक्त। मार्केट अच्छी है, मज़ेदार, काफ़ी सारे आइटम आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और सेल्फ चेकआउट कमल फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई, कुछ दिख गया उसको। आई थिंक कुछ सस्ता मिल गया सब्जी में। ओके, यस, खीरा ख़त्म हो गया हमारे यहाँ। कवल ने खीरा खरीद लिया, उठा लिया, खरीदा नहीं। व्हाट यू नीड? पोटैटोस, पिक वन। 65p यही वाला उठा लो। ये रहा, बनते क्यों इनमें, क्या है प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, बट बनते बड़ी मुश्किल। उठा लेता हूँ, तो पहले से बॉईल कर लेंगे इनको। ऑनियन क्या? स्वीट पोटैटो नहीं, स्वीट पोटैटो फ्राइज ले लेंगे जो पैक है ना पहले से। सो डू यू वांट टू हैव अ लुक? लेट्स गो। अपेरेंटली आए थे सिर्फ डबल रोटी और मक्खन लेने के लिए, क्योंकि फ्रूट तो कहीं और से ले रहे थे। हमने ये सब सामान उठा लिया है, आलू। इट्स जस्ट दैट क्या हमारे घर के पास कुछ भी नहीं है, तो हम फिर डिलीवरी करवाएंगे। कवल ऐसे बात कर रही होती जैसे उसकी आवाज़ ना बहुत लाउड जा रही है फ़ोन के अंदर। मुझे पोस्ट में सब इंक्रीज करना पड़ता है, कोई समझाए इसको कितनी मेहनत होती है। ये लो कवल, अब बोलो दोबारा। मैं कह रही थी हमारे घर के पास से कुछ भी नहीं मिलता, तो हमें डिलीवरी करवानी पड़ती है। इससे बेहतर है कि भाई अभी ले लो।
करेक्ट ग्लूटेन फ्री. ओ दिस इज गुड कमल, ग्लूटेन फ्री, वीट फ्री. हां तो इसीलिए तो देख रही हूं. दिस इज गुड फॉर यू, ले लो यहां से. कमल ये चिप्स भी है इनके पास, ग्लूटेन, वीट, मिल्क सब फ्री. गेट इट? नो. ट्राई तो करो. ये वाले भी ग्लूटेन फ्री हैं, तो आई कैन हैव दिस. सेम थिंग, ये भी सवा एक पाउंड के, ये भी सवा एक पाउंड के, ट्राई कर लो. ये वाला टॉर्टिला चिप्स हैं, वही है टॉर्टिला चिप्स. तुमने मुझे ट्राई करवा कर छोड़ा और पता चला ये अच्छे नहीं हैं, तो मैं खा लूँगा क्योंकि ये कचरे का डब्बा सब खा लेता है. कचरे के डब्बे के लिए भी अच्छा नहीं है ये सब. कचरे के डब्बे में तो फेंकना होता सामान आपको, तो आप फेंक दें. अपने से किसी को स्वीट पोटैटो फ्राइज दिख रहे हैं यहाँ पर. यहीं कहीं होंगे कब भैया कुछ. हम सब चीजें गिरा के, मैं थोड़ी गिरा रहा, तुमने पकड़ा हुआ. सामान 6 पाउंड में कितना सब कुछ है? इतना सब कुछ उठाया भी नहीं जा. पूरी एक बास्केट टोमेटो की, नहीं बास्केट नहीं है. हाँ बास्केट ही है, बास्केट उसको बास्केट ही बोलेंगे. हाँ तो एक प्याला. हाँ ओके, टोमेटोज का 1 पाउंड का, और फिर एक धनिया 1 पाउंड का, एक मिंट 1 पाउंड का, दो अनार 1 पाउंड के, और दो मेलन 2 पाउंड के. हाँ और वहाँ पे जो है वो एक मेलन 2 पाउंड का था, 1.95 पेंस. तो एग्जैक्टली दिस इज हाउ यू सेव मनी. यू नीड टू नो कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है. और बेस्ट पार्ट, जो हमने टेस्को से सामान लिया ना, वो भी क्लब कार्ड के ऊपर हमें तकरीबन 12 पाउंड का पड़ा है. अगर क्लब कार्ड नहीं होता तो यही 15 पाउंड का पड़ता है. एटलीस्ट नहीं, 5 पाउंड का मक्खन था वो. हाँ, 3 पाउंड 75 पेंस का पड़ा है आपको. कार्ड जब स्कैन किया मैंने, उससे पहले 14 पाउंड या 15 पाउंड बन रहे. क्लब कार्ड की कैटेगरी में से उठाया था तो शायद पता नहीं, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट इट व्हाट वाज रिटन ओवर देयर हमें काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल गया. इट वाज गुड. यस, अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप, बस में बैठेंगे, वहां से घर चले आएंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस व्लॉग. अमेजिंग अमेजिंग. सामा आपको कैसे लगे? कैसे देखने में? बहुत ही चीज फ्लेवर है, चीज टाइप लेक गुड. जो वेयर हाउस बस लेके जाती है मुझे, वो डॉट टाइम पर आती है. डॉट टाइम बेस्ट है ना ये तो. और उसके अलावा जब यहाँ से सुबह जाती है ना बस, जो मैं थर्सडे को यूनिवर्सिटी जाता हूँ सुबह सुबह, वो बसेस टाइम पे होती हैं, लेकिन उस वक्त रश बहुत होता है. बस आ गई है, घर आ गए. क्या बोलते थी? नहीं नहीं, काम करा वो तो करना ही है. ओह यस, दिस इज अ नाइस वे टू. हां पुट इट. मेरा और एक तुम्हारा. तुम्हारे दो दोस्त क्यों हैं? आई डोंट नो, पागल है डबली. बहुत ज्यादा लगाव हो गया मुझे. हाँ मुझसे बहुत ज्यादा लगाव. मेरा भारी है, तुम्हारा बहुत लाइट है. ये होम स्वीट घर. ओ जी खाना बन गया है और खाया जा रहा है यहाँ पर. जबरदस्त खाना बनाया. क्या है ये? बिरयानी है, लैम्ब बिरयानी. लैम्ब लैम बिरयानी, उसके साथ जबरदस्त सलाद. और आज हम बिस्तर पर लेट के टीवी देखते देखते बिरयानी खाएंगे. बड़ा स्वाद लग रहा है यार, ये तो बड़ा स्वाद है. बहुत ही मजेदार स्वाद है भाई, क्या स्वाद है. हाँ जी, थैंक यू सो मच बेगम, आपने बहुत जबरदस्त स्वादिष्ट खाना बनाया है. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लेट गिर जाती है अभी. आप लोग अपना ख्याल रखें. This is Sam Siddiqui, and that's how I do my thing.